बिना का झनकार गीतमाला 91 वॉल्यूम 4। एक्शन प्रोडक्शन की ओर से अजमत शोभी का अपने तमाम संगीत मित्रों को आदाब। हमने इससे पहले बिना का झनकार गीतमाला का तीसरा भाग उपस्थित किया, जिसे आप सबने बेहद पसंद करते हुए हमें चेतावनी कराई कि हम इस लोकप्रियता कार्यक्रम का चौथा भाग जल्दी आरंभ करें। तो हमने इस नए कार्यक्रम के चौथे भाग के लिए गीतों का चुनाव और झनकार की तैयारी शुरू कर दी। बिलाखिर हमने अपने सामने की इच्छा का ख्याल करते हुए पुनर्गीतों का चुनाव करके उन्हें मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। और इन तमाम पुनर कैसेट्स की उम्दा रिकॉर्डिंग के लिए हम सोना कैसेट्स वालों के बहुत प्रभारी हैं, क्योंकि उनके तावन से ही ये पुनर और वार्षिक गीतों के कैसेट्स आप तक पहुंचते हैं। अरे मैं न झूठ बोलूं, सच है। मैं न कुफुर तोलूं, सच है। हे दिग 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 dik 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 बिना का झनकार गीतमाला के इस नए भाग में जो गीत पहले पायदान की जीनत बन रहा है, ये एक लोकप्रियता वार्षिक धुन है, जिसे सुनकर आप यकीनन झूम उठेंगे और आपका दिल बेकाबू होकर इन हंसी शब्दों में खो जाएगा, जिसे लेखक गुलशन बाबरा ने अपने कलम की नोक से फिल्म इंद्राजीत के लिए तख्लीक किया। संगीतकार आर डी बर्मन और आवाज का जादू जगाया आशा भोसले और अमित कुमार ने।
साहब आपने गुड्डे और गुड़िया तो बहुत देखी होंगी, परंतु जिस गुड्डे और गुड़िया की मैं आपको दास्तान सुनाने लगा हूँ ये कुछ अजीब ही किस्म के हैं। मेरा मतलब है माटी का गुड्डा और सोने की गुड़िया। क्यों साहब, कहीं देखी या सुनी ऐसी बात? बहुत ही अजीब दास्तान है इन दोनों की, इसीलिए तो फिल्म का नाम भी अजूबा है। इस दास्तान को संगीत का रंग दिया महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जबकि मोहम्मद अजीज और एल्का युग्निक को आनंद बख्शी ने अपने शब्दों के लिए जमा किया है। मंच जब किसी के प्रेम में गिरफ्तार हो जाए तो इस संसार से बेगाना हो जाता है और अपनी प्रेमिका के लिए इस संसार को भुला देता है।
दो प्रेमियों को एक दूसरे की चाहत में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यही मोहब्बत का तकाजा है। परंतु दुश्मन चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, चाहत हरगिज कम ना हो। प्रेमियों के दिल की इस आवाज को मैंने फिल्म आशिकी से लिया है और संगीत की सहायता करने वाले हैं नदीम शरवान, लफ्जों के धनी सुमेर।
साथियों अब मैं आपको सुनाता हूँ अफसाना प्यार का। आवाजें आशा भोसले और उदित नारायण, अनजान के हसी शुभ, म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी और फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का। I'm
कहिए साहब, कैसा लगा अफसाना प्यार का? जी हाँ, प्यार में यही कुछ होता है, कभी मिलन तो कभी जुदाई। प्यार के अफसाने में कभी कभी ऐसा भी होता है, दो प्रेमियों को एक दूसरे के बिना जीना पड़ता है। परंतु इस गीत में जो कि मैं आपको अब सुनवाने लगा हूँ, लता जी और मुन्ना अजीज कहते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, हम हर जन्म में साथ साथ रहेंगे। और वो ऐसा क्यों ना कहें, आनंद बख्शी ने अपने शब्दों में इस बात का उन्हें यकीन दिलाया है। मौसीकी थी पप्पी लहरी ने और फिल्म है फरिश्ते। ये फूलों का मौसम, ये झूलों का मौसम, लगता है सूना।
अखियां तुझको दिखाऊं मैं प्यार का नमूना जी साहब, अभी झनकार सभा की कैसेट की साइड है बी और हर ओर एक शोर सा मचा है। न जाने वो कौन सी कयामत आ रही है कि जिसके सब दीवाने यहाँ हमारी सभा में आ गए हैं। खैर जनाब, हम एक्शन प्रोडक्शन की ओर से इन सब साथियों को वेलकम करते हैं और जरा पूछते हैं कि कौन आ रहा है। जी क्या कहा मैडम एक्स? अच्छा, तो ये है मैडम एक्स जिन्हें हसरत जयपुरी ने अपने शुभ दया में दिए हैं। अनु मलिक तो इनके पुराने संगीत निर्देशक हैं, आवाज तो आप पहचान ही लेंगे। जी हाँ, अलीशा चनाई। We'll be right back.
जवानी जिंदाबाद, यह है उस फिल्म का नाम जिसका गीत मैं आपकी सेवा में आरंभ कर रहा हूँ। सुमीर के हसीन लफ्जों को आनंद मिलन ने संगीत में सुमाया। अजीज और अनुराधा पौडवाल ने अपने सुंदर आवाजों से इस गीत को सजाया। अब जो गीत आप अपने इस कार्यक्रम में सुनेंगे, इसे गुलशन बावरा ने फिल्म इंद्राजीत के लिए तख्लीक किया है। संगीत के स्थान को सजाया महान संगीतकार और गुलकार राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन ने, और मधुरी आवाजें हैं आशा भोसले और अमित कुमार। We'll be right back।
नशे की है, बस ये गुस्ताखी की है, थोड़ा नशे में हूँ मैं। ओ ये है ऐलान मेरा, तू मुखियार है। ये है ऐलान मेरा, तू मुखियार है। तेरे बिन जीना कुड़िये जीना बेकार है। मौका खुशी का है तो आजा पाले जपिया, मौका खुशी का है तो आजा पाले जपिया। जब मौसम हसी होता है और सावन की रंगी बहारें झूम झूम कर आती हैं, तो फिर दिल की बहुत ही अजीब सी इचाहत होती है कि कोई प्यारा सा हसी साथी मिले और दिल से दिल मिलकर चाहत के फूल खिलें। और फिर जब धुनी दिल को हिला देने वाली, मन को तड़पा देने वाली हो। जी हाँ, इस वार्षिक धुन को संगीत सम्राट पप्पी लहरी ने फिल्म अमन के फरिश्ते के लिए कंपोज किया। सोहन भाटिया के हसी शुभ और अनुपमा की मचलती हुई आवाज।
सोच लो, सोच लिया, देख लो, देख लिया, जान लो, जान लिया, प्यार बड़ा मुश्किल है, प्यार करने को तैयार हो। वार्षिक गीतों में ज्यादातर गीत ऐसे हैं जिन्हें लेखक आनंद बख्शी ने लिखा और फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम कामयाबी की जमानत समझा जाता है। और फिर मौसीकी भी देने वाले बप्पी लहरी, यानी जो गीत इस झनकार गीत माला में अब आपको मैं सुनवा रहा हूँ, ये इस सभा का अंतिम गीत है। इसे आनंद बख्शी ने लिखा और बप्पी लहरी ने मौसीकी दी, जबकि फिल्म योद्धा के लिए अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाजों का सहरंगेज जादू बिखेरा। तैयार हूँ, प्यार बड़ा मुश्किल है, प्यार करने को तैयार हो। तैयार हूँ, सोच लो, सोच लिया, देख लो, देख लिया, जान लो, जान लिया, ला और वार्षिक गीत के साथ ये सभा समाप्त होती है। एक्शन प्रोडक्शन की ओर से मैं आप सबका बहुत प्रभारी हूँ कि आपने हमारा ये कार्यक्रम ध्यान से सुना। अब आइंदा यानी पांचवे भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।